करनाल में कृषि अध्यादेशों का कड़ा विरोध हो रहा है। आज सोमवार को भी भारी संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में आज बड़ी संख्या में किसानों ने स्वराज इंडिया पार्टी के बैनर के तले रोष प्रदर्शन किया। पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान करनाल के तलवार चौक पर इकट्ठा हुए। उसके बाद रोष प्रदर्शन करते हुए प्रेम नगर स्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास स्थान पर पहुंचे एवं 3 कृषि अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने केंद्र की सरकार पर एवं हरियाणा सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए इनको किसान विरोधी सरकार बताया है। गौरतलब है कि स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष बड़े लंबे समय से किसानों के लिए संघर्षरत है और केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं करती, उनको रद्द नहीं करती, जैसे राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पंजाब ने किया। अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो आप किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ऐसे में हरियाणा का किसान आपको माफ नहीं करेगा। अभी भी समय है, 26 तारीख तक समय है कि हरियाणा सरकार पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह इन कानूनों को कम से कम हरियाणा के लिए रद्द कर दे, और अगर नहीं करती तो हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। 26 और 27 को देश भर का किसान दिल्ली पहुंच रहा है इन 4 कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के लिए, और हरियाणा के 34 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले और तमाम अन्य किसान संगठनों के सहयोग से ये फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम आर पार चुनाव विश्लेषण करने का नहीं है, मगर मैं एक बात बताता हूँ, जो अपराध इस देश की केंद्र सरकार ने आप्रवासी मजदूरों के साथ किया, जो हम सब ने देखा था, और ये सब बिहार के मजदूर थे, बिहार के मजदूरों के साथ और उसके बाद बिहार के किसानों के साथ जो ज्यादती की गई, जो उनके साथ अपराध किया गया, उसका परिणाम आपको कल दिखाई दे जाएगा। और मैं चाहता हूँ कल शाम को ये तमाम लोग जो इन किसान कानूनों के गाने गा रहे हैं, ये कल शाम को जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। हरियाणा सरकार को भी कल जवाब इसका मिल जाए। 26 तारीख को प्लान क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग जाने वाले हैं, कहां कहां के किसान आने वाले हैं और वहां पर जाकर दिल्ली में आप लोग कहां बैठेंगे, कहां प्रदर्शन करेंगे, किसका घेराव करेंगे? मेरे साथ साथी प्रेम सिंह गहलावत जी हैं, आपने मेरे साथ भाई गुरमुख सिंह जी भी हैं, आप सब लोगों ने कल यहाँ पे दिल्ली में इंतज़ाम करके रामलीला ग्राउंड जो है वो किसानों के लिए बुक कर दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार अनुमति देगी किसानों को वहाँ जाने के लिए। हमने जंतर मंतर पर एक भरने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती तो वो उनको अनुमति दे आने के लिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ आके धरना देना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। अगर सरकार उनको दिल्ली नहीं घुसने देती तो ये सरकार की मर्जी, उसके बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं पे बैठेंगे। किसान पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, बाकी जगहों से छोटा छोटा सांकेतिक, बाकी सभी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करे 26 तारीख को हड़ताल करेंगे। साथियों इतनी इतनी बात आपके बीच में करी, संतन धन्यवाद साथियों। मैं अखिल भारतीय किसान सभा के इमाम बनाया गया है, इसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। इन्होंने नील की खेती से शब्द नहीं सीखा, हम लोगों ने नील की खेती छुड़ाई है, देश को आजाद कराया। अखिल भारतीय किसान सभा हर जगह पर आपके साथ कंधे से कंधा चलेगी। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.